थैंक यू सर, आपका जो है इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम अजय कृष्ण अग्निहोत्री है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। मेरी आवाज ठीक है इस समय? ठीक यस यस राइट है। तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं अभी, और अभी रिटायर होने में 2 साल बाकी। तो तब तक मैंने जो है कुछ और जो प्लान किए हैं और जो चीजें मुझे आकर्षित की हैं। अक्सर आदमी होता है ना, लाइफ में एक सेकंड प्लान देखता है या कुछ और चीज देखता है। तो वो हम लोग भी लुकिंग जोन में थे और कुछ और तलाश रहे थे, तो उसी समय मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और ये कुछ चीजें जानने को मौका मिला। तो मुझे लगा कि मुझे जो है इसको और अधिक जानना चाहिए और अधिक समझना चाहिए, और उसके लिए मैंने थोड़ा समय निकाला। और जो चीजें मैंने देखी थी, जो चीजें समझी थी, आज मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं उन चीजों को और आपके समक्ष रखूं। तो सबसे पहले, जैसा कि शिवगोपाल जी ने बताया, कि मैं पहले थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर बात करूंगा, मेरा फेवरेट टॉपिक है, और उसके बाद में थोड़ा सा वेल्थ के ऊपर भी बात हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं जो है अपनी बात शुरू करने से पहले एक प्रेजेंटेशन को ऑन कर लेता हूं। तो ओके, क्या ये विजुअल है प्रेजेंटेशन? अभी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन सर विजुअल है क्या? शेयरिंग हो रही है, स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। तो जब तक हम यह बात करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा जो चर्चा करते हैं, जब करते सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हेल्थ का पहले, और उसके बाद में हम लोग वेल्थ की भी बात करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे जीवन में जो है, अगर बहुत ज्यादा वेल्थ हो भी और हेल्थ ना हो, तो कैसी लाइफ होगी। तो लाइफ जो है बहुत खुशहाल अगर हमें चाहिए, तो दोनों चीजों के बीच में एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में एक सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यही चीजें हमें जब किसी ने दिखाई, तो मेरे जिनको हम इसमें अपने कॉन्सेप्ट में जो है अप्लायंस बोलते हैं, तो वो जनरली क्या होते हैं कि आपको एक उन्होंने विजन दिया, एक आइडिया दिखाई, और वो आइडिया आपको पसंद आता है, आप उसके ऊपर चलते हैं, काम करते हैं, तो अच्छा लगता है। आज मैं जो भी चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सर साउंड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके, तो लगता है ये साउंड मुझे दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा साउंड के लिए। ठीक है, तो मैं साउंड के लिए अपना सेकंड जो है वो ले। अभी ठीक है? अभी यस आवाज बेटर है? ओके। तो मैं जो है इन चीज़ों के ऊपर चलने से पहले जो है सामान्य जो हम लोग बात करते हैं उसके लिए, कि हमारे जो है जो दैनिक समस्या है वो कहाँ से शुरू होती है, और उसके लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो हेल्थ और वेल्थ के दोनों में अगर देखा जाए, तो सबसे पहले हमारा शरीर है, चाहे हेल्थ की बात हो चाहे वेल्थ की बात हो। और इस शरीर में हमें जो है सबसे जो सूक्ष्म तत्व तो है, सबसे छोटी जो इकाई है वो है सेल। उसको हम लोग सेल कहते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं, कई सेल्स मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, कई टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और कई ऑर्गन्स मिलते हैं, कई अंग जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम या अंग प्रणाली बनती है। जैसे नॉर्मली अगर ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें, तो स्केलेटन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये सिस्टम्स होते हैं जो कई ऑर्गन्स को मिल के बनते हैं, और ये कई ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। ये सिंपल एक मानव शरीर की संरचना है। तो हमें ये समझना होगा कि जो है प्रॉब्लम हमको पता कहाँ से चलती है, किस प्रॉब्लम शरीर पर पता चलती है, ऑर्गन सिस्टम पर, या ऑर्गन्स पर, या टिश्यू पर, या सेल पर, कहाँ पता चलती है। तो वो होता है शरीर में का जो मेन है ऑर्गन पार्ट है, वो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम पर भी हम नहीं जाते, ऑर्गन्स पे हमें कहीं कोई ऑर्गन फेल होने, कोई ऑर्गन जो है गड़बड़ होने लगा, तो वहां पर प्रॉब्लम आते ही सबसे पहले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या तलाश करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस ऑर्गन पर है, और उसके बाद जो है वो सिकनेस स्पेशलिस्ट अपना काम शुरू करते हैं। तो इसमें हम एक चीज जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग ये पहले से जानते थे कि अगर ये ऑर्गन्स की जगह सेल लेवल पर काम किया जाए तो बेटर हो सकता है। शायद बहुत ज्यादा कहें तो नॉर्मल भाषा में हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन
लेकिन जब हम बहुत सूक्ष्म रूप से देखें, जैसे अभी अगर कोरोना की बात करें, तो कहाँ पर काम शुरू हुआ? डीएनए लेवल पर, सेल लेवल पर भी काम शुरू हुआ। यानी कि जब बहुत ज्यादा सीवियर चीजें होती हैं, तो जैसे कैंसर की बात अगर होती है, तो सीधे डीएनए लेवल पर, कोश सेल लेवल पर, कोशिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस लेवल पर जाकर तब काम होता है। तो जब तक बहुत सीरियस ना हो, तब तक जो है ऑर्गन से हटके हम सेल पर नहीं जाते। जबकि सूक्ष्म इकाई सेल है, अगर सेल पर ही, सेलुलर लेवल पर ही इलाज किया जाए, तो शायद वो ऑर्गन्स तक पहुंचने नहीं पाती है। तो खैर, ये सिस्टम है और सिस्टम की वजह से ऐसा होता है, लेकिन अगर सेल लेवल पर हो तो क्या हो सकता है? तो सेल लेवल की चीजें क्या हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेल बनता किससे है और चाहिए क्या होता है। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऑप्टिमल हेल्थ, जो एक सामान्य स्वास्थ्य बोला जाता है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। तो उनमें अगर हम देखते हैं, तो दैनिक व्यायाम है, हमारा सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण है, जिसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बोलते हैं, एडिक्वेट रेस्ट, पर्याप्त आराम होना चाहिए और अच्छा पोषण होना चाहिए। इनमें से अगर हम देखें, तो दो चीज़ें जो हमारी मेंटल हैं और दो चीज़ें फिजिकल हैं, और इनमें से लगभग अगर देखा जाए तो तीन चीज़ें हमारे टोटली कंट्रोल में हैं। अगर हम नीचे देखें, मेंटल हेल्थ की दोनों चीज़ें, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और एडिक्वेट रेस्ट, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं? ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की वजह से, कहीं ना कहीं परिस्थितियों की वजह से ये चीज़ें भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सुबह से अखबार पढ़िए, शाम तक न्यूज़ पढ़िए, क्या सुनने को मिलता है? हमेशा नेगेटिव सुनने को। ऑफिस में जाइए, किसी से बात करिए, क्या पॉजिटिव? जबकि हमारे कंट्रोल में होती हैं चीज़ें, लेकिन आजकल जो परिस्थितियाँ हैं उनकी वजह से ये कहीं ना कहीं इनको भी अपने तरफ मोड़ा जा सकता है, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को प्राप्त किया जा सकता है। और जहाँ तक एडिक्वेट रेस्ट की बात है, तो आदमी जो है दिन रात जिस भाग दौड़ में लगा हुआ है, उसमें उसको वाकई जो है पर्याप्त आराम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये हेल्थ के लिए चैलेंज, ये मेंटल हेल्थ को हमारे अफेक्ट करते हैं, और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और हम फूड, जो कहा जा सकता है कि गुड न्यूट्रिशन, जब हम गुड न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य जो हमारा है वो प्रभावित होता है। इसमें से अगर देखें, जो मैंने तीन चीज़ों कहा कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और एक्सरसाइज, ये हमारे कंट्रोल में हो सकता है, हम कंट्रोल कर भी लें, लेकिन क्या फूड को हम कंट्रोल कर सकते हैं? फूड शायद हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, क्योंकि ना तो उसको हम पैदा करते हैं, ना हमारे घर तक वो पहुंचाने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल है। अब यही सब चीज़ जो है, जो अनियंत्रित चीज़ें हैं, वो हमारे सिस्टम को बिगाड़ती हैं, वो हमारी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करती हैं, हमारी लाइफ स्टाइल भी बिगड़ी हुई है। हम पहले जैसे अपने जीवनचर्या करते थे, वैसे ही अब नहीं कर पाते हैं, भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है। तो उसने और उसकी वजह से कुछ चीज़ों ने और एडअप किया, और ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये कमज़ोर हुई, और इसको कमज़ोर करने में आप देख रहे हैं, एक एक तत्व जो प्रभावी हैं वो हैं, जैसे यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पॉल्यूशन है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा पुअर न्यूट्रिशन है, और ये सब जन्म देते हैं फ्री रेडिकल्स को, और फ्री रेडिकल्स आगे का काम तमाम करने के लिए पर्याप्त हैं। ये बहुत से अंगों में, जिस अंग में भी ये असर अपना पहुंचाते हैं, वहाँ की बीमारी हमको देते हैं। जैसे आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, कैटरेक्ट आँखों की बीमारी दे सकते हैं, डायबिटीज़ दे सकते हैं, डर्माटाइटिस यानी स्किन की दे सकते हैं, अर्ली एजिंग, कैंसर, बहुत सारी, ये कुछ लिस्ट है सामने जिनको आप एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, कि अगर ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी कमजोर होती है, फ्री रेडिकल्स हमारे अटैक करते हैं, तो कहाँ कहाँ जो है दिक्कत आ सकती है। और इसका रास्ता क्या है? क्या हम अपनी जीवन शैली को बदलें? यस, बदल सकते हैं अगर, तो सबसे अच्छा है रास्ता कि हमको अपनी जीवन शैली बदलना चाहिए। और उसमें भी क्या चाहिए? हमारे जो पोषण है, जो हम खाद्य लेते हैं, खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, क्या उनमें हम परिवर्तन थोड़ा सा कर सकते हैं? तो पहले ये जानना जरूरी है कि हम खाते क्या हैं और हमें खाना क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या जो है हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, संतुलित पोषण ले रहे हैं। तो आप अगर लेफ्ट साइड पर देखें, तो यहाँ पर एक फिगर आपको, एक ट्रेंगल दिया गया है, एक पिरामिड कह सकते हैं, जिसमें कि बैलेंस न्यूट्रिशन है, क्या हमको लेना चाहिए। और अगर राइट साइड में देख रहे हैं, तो वो गैप ये बताता है कि नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं, जो भी चीज़ हम लेते हैं, उसमें कितना गैप है। अगर इतना गैप होगा, नॉर्मली अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा होता है, ये बहुत बचते बचते दिखाया गया है,
तो निश्चित रूप से फ्री रेडिकल्स जो है पनपेंगे, फ्री रेडिकल्स जो है अपना असर दिखाएंगे। पोषण की कमी और एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने से फ्री रेडिकल्स का असर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये हमारे अंदर जो है एक सबसे बड़ा दुश्मन बन के, सबसे बड़ा एनिमी बन के हमारे अंदर आता है। और इसके असर से क्या होता है कि तमाम तरह की बीमारियाँ जो हमने देखी थी। अभी यहाँ हम साइंस के रूप में तो इसको ना देखें, एक जनरल केवल नॉलेज के रूप में अगर देखें तो व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल होता क्या है, तो संक्षिप्त रूप में से जान लें कि फ्री रेडिकल्स जो एक एक ऐसा एटम जो जैसे हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम जो चीज़ थी वो सेल थी, ऐसे ही किसी मटेरियल का सूक्ष्मतम जो चीज़ होता है वो होता है एटम। और एटम का जो बनावट, एटम जो संरचना होती है, बनी हुई होती है, उसका बाहरी आवरण इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनमें ये प्रकृति होती है, उनकी ये प्रवृत्ति होती है, हैबिट होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपना एक किसी के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, खो भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं केमिस्ट्री पे नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद साइंस ना पढ़ी हो, तो उनके लिए ये अलग हो सकता है। हम लोग, मेरा बैकग्राउंड है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से रहा है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता है, तो कहीं मैं इसमें ज़्यादा ना चला जाऊँ, इससे कट ऑफ होने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को केवल इतना जान लें कि किसी भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब हुआ कि वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। हर एटम, हर जो पदार्थ है वो स्टेबल होने की ही कोशिश करते हैं, तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक उसने खो दिया है उसकी वजह से उसकी रिएक्शन कैपेसिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और वो बहुत तीव्र रिएक्शन करता है, हर चीज़ के साथ में वो रिएक्शन करने लगता है। और ये फ्री रेडिकल जब हमारे शरीर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन खो के पड़े हुए हैं, तो वो बहुत तेज़ रिएक्शंस करते हैं, और ऐसे में वो हमारे शरीर को डैमेज करने लगते हैं। हमारे शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनके साथ रिएक्शन करना, उनके जो और केमिकल्स हैं हमारे बॉडी में जो हेल्दी केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करना, और वो एक तरह से टॉक्सिन्स जो है निर्माण करने लगते हैं बॉडी में। तो इनका जो है तरीका क्या है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे पदार्थ जिनके पास एक अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डोनर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनका सेवन जब हम ज़्यादा करते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको वो एक इलेक्ट्रॉन दे के संतुष्ट कर देते हैं, और इनकी रिएक्टिव कैपेसिटी जो है वो डाउन हो जाती है, इसको बोलते हैं कि ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अगर हमें फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना है तो एंटी ऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में हमको लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो है न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, ये ताज़े फलों में, सब्जियों में, और अच्छी मात्रा में, इनके लिए मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए जी। तो यहाँ हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन से, जो बनाते हैं हम लोग बेस्ट ऑफ द नेचर, बेस्ट ऑफ द साइंस, यानी प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ चीज़ों से, और विज्ञान जो हमें रिसर्च ने दिया है, विज्ञान ने हमें जो रिसर्च दी है, रिसर्च के परिणाम दिए हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट, अगर मैं बात करूँ कैलिफोर्निया हेल्थ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, यहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई थी, और न्यूट्रीलाइट ब्रांड के रूप में लगभग 80-90 दशकों से ये जो है इस तरह के सप्लीमेंट्स बनाते हैं जो हमारे जो पोषण है उसकी कमी को इजीली दूर कर सकते हैं। तो इनका कंट्रोल जो है सीड टू सप्लीमेंट्स ही नहीं बल्कि सप्लीमेंट्स टू होम भी है। ये भी नहीं होता है कि सप्लीमेंट्स बना के रेडी कर दिया और आपके घर तक पहुंचाने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दे दी और उसने बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया तो हम लोगों तक वो स्वास्थ्य जो है अफेक्ट करेगा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इनकी है, लगभग 6,500 एकड़ से ज़्यादा की इनके पास फॉर्म्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनके फॉर्म्स जो है अवेलेबल हैं, और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीधे चलता हूँ कि हमें जो है अभी अपनी जो पूर्ति है इन चीज़ों की, जो पोषण में होने वाले गैप हैं इनकी पूर्ति करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ जो हम देख रहे थे कि मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स, ये सबसे ज़्यादा हमारे जो पोषण की कमी को है ये महत्वपूर्ण है, और ये बहुत ज़्यादा
कमी को बढ़ाता है, यानी कि जो कमियां हैं वो सबसे अधिक हमारी होती है मिनरल्स विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, तीन चीज़ों में। तो पहली बात हम करते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स पे। तो यहाँ जो एक पोषक हम देख रहे हैं डेली नाम से है, इसमें दो एक जो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक 120 टैबलेट्स एंड 60 टैबलेट्स। तो इसका जो संरचना है ये बनते हैं लगभग 6 पीढ़ों से उनके होल प्लांट एक्सट्रैक्ट से। तो आप स्पिनेश देख रहे हैं, कैरेट है, पार्सले है, अल्फा एल्फा है, एसरोला चेरी और वाटर क्रेस, इसके मिश्रण से ये बनते हैं। और ये देते क्या है हमको, ये हमको लगभग 13 विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स एक टैबलेट के अंदर होते हैं। ये कितने, इसका मतलब वैल्यू क्या है, 13 विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स अगर हम लेना चाहें तो ये कहाँ से इसकी पूर्ति हो सकती है। तो ये हम देख सकते हैं, ये 6 चीज़ें साइड में दिखा रहे हैं कि अगर विटामिन सी और डी की आपूर्ति करनी हो तो इतनी चीज़ें हमको लेनी पड़ सकती हैं। 2 फ्रेंच ऑमलेट है, 10 कप पंपकिन विटामिन सी के लिए लेना, विटामिन ई के लिए 333 डेट्स खजूर लेने पड़ सकते हैं, या 10 कप जो है मैग्नीशियम के लिए 10 कप ग्रीन पीज लेने पड़ सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो कि शायद असंभव है हमारे लिए लेना, और वो भी अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आयरन, आयोडीन एंड विटामिन B5 के लिए हमें जो मेंटल हेल्थ, मेंटल परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें, उनकी पूर्ति के लिए सारी चीज़ें चाहिए, विटामिन ए डी के, कैल्शियम, पोटेशियम और थायराइड के हेल्थ के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये 13 विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स की आवश्यकता दैनिक जीवन पे होती है, दैनिक बेसिस पे, डेली बेसिस पे होती है। तो अभी इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जरूरत वाली चीज़ थी वो प्रोटीन, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप स्टोर नहीं कर सकते, और हर रोज जो है ये बदलाव इसमें होता रहता है हमारी बॉडी में। और उसके लिए अभी हम देख रहे हैं जो अगर जो फेस बना हुआ है इसको थोड़ा बिखरते हुए दिखाया गया, इसका सिर्फ सीधा सा इतना मतलब है कि तकनीकी तौर पर हमारे बॉडी में कुछ सेल्स जो है नए बनते हैं और पुराने डीजेनरेट होते हैं, वो निकल जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, वो निकल जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है वो 11 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है, एक्सेप्ट हमारा ब्रेन जो 7 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल पुराना होता है, इससे ज्यादा पुराना हमारे शरीर में कुछ नहीं है। तो ये प्रोटीन का ही सबसे ज्यादा रोल होता है कि बॉडी में जो सबसे मिनरल्स हमारे होते हैं उनमें सबसे अधिक जो होता है वो प्रोटीन होता है, और सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था मिनरल एंड विटामिन्स। तो ये प्रोटीन क्या होते हैं, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड 13 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हम उन्हें कहते हैं जो बॉडी खुद बना सकती है, और एसेंशियल वो हैं जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। और ये अमीनो एसिड्स का जो है कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, हर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए। जो हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं और टिश्यूज हैं, हर टिश्यूज के अलग अलग, ऑर्गन के टिश्यू के लिए अलग अलग तरह का हमें कॉम्बिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन का आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमको इनको रोज लेना होता है। ये क्यों जरूरी होते हैं, ग्रोथ है, रिस्टोरेशन हेयर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह तक जो पोषक तत्व जाते हैं उनके लिए आवश्यक होता है, और ब्लड क्लॉटिंग, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है और हमें प्रोटीन का ज़रूरत पड़ती है। ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट है जो हम जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं, ये न्यूट्रलाइट ब्रांड में आल प्लांट प्रोटीन का से बनता है, और ये वीगान जो देख रहे हैं 100% वीगान, यानी कि वेजिटेरियन भी नहीं, क्योंकि कुछ जगह पर, कुछ कंट्रीज में, कुछ जो हमारे, जिनको हम लोग इंडिया में नॉन वेज बोलते हैं, अंडे हैं, फिशेज हैं, इनको वो लोग वेजिटेरियन में ट्रीट करते हैं, लेकिन वीगान शब्द जो है ये प्योर वेज, जो हमारी भाषा में वेजिटेरियन होता है वो है। तो ये प्योर वेज है, इसमें कोई भी तत्व जो है नॉन वेज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको सभी लोग ले सकते हैं। एक स्कूप में 10 ग्राम में 8 ग्राम यानी 80 ग्राम प्रोटीन होता है, जो 1 PDKS स्कोर यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर जो होती है कि बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट कितना होगा, वो 100% या 1.0 मीन्स 100% डाइजेस्टिबल होता है। ये WHO के द्वारा स्कोर दिया जाता है कि किस चीज़ों में जो है ये 100% होगा। दूसरा, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो 9 हमें चाहिए वो सारे इसमें मौजूद होते हैं, ऑल 9 एसेंशियल एमिनो, और न्यूट्रल इन टेस्ट है, तो इसको किसी भी चीज़ में मिक्स करके लिया जा सकता है। और USFDA के अनुसार जो है उनका जो है क्लेम है कि ये हृदय के रोग के खतरे को भी कम करता है।
अभी हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो डिफरेंट एज होती है, हर एज के लिए, हर जो लाइफ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, सभी में अलग अलग चरण में सेम प्रोटीन की जरूरत होती होगी क्या? ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग स्टेजेस के लिए और अलग अलग इस परिस्थितियों में, जो हमारी शारीरिक परिस्थिति होती है, उसमें अलग अलग प्रोटीन की मात्रा की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है, जो हमारा आवश्यक न्यूट्रिएंट है, वो है सैल्मन ओमेगा 3। ये एक सॉफ्ट जेल के रूप में यहाँ आता है और ये हमारी जो दैनिक रिकमेंडेड डोज है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, उसको एक टैबलेट पूरी करती है। और इसको चीव करना, स्वेलो करना बहुत इजी होता है, आसान होता है। ये हालांकि सैल्मन फिशेज से होती है, लेकिन इसमें की खूबी ये है कि ये विदाउट उनको मारे जो है, उनको बिना विदाउट किल किए ये निकाला जाता है, इंजेक्ट करके उससे हम निकालते हैं, उनको वापस पानी में छोड़ दिया जाता है। तो जस्ट लाइक जैसे हम लोग गाय भैंस से दूध निकालते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये उनको मार के नहीं निकाला जाता। इसलिए भले ही एनिमल सोर्स जरूर है, लेकिन ये भी जो है लिया जा सकता है। और ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ असर करता है, कहाँ कहाँ हमें फायदा पहुँचाता है, वो लगभग पूरी बॉडी ही कवर होती है, माइंड से लेके और क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी आएगी जब हमारी बॉडी हेल्दी हो, हमारा माइंड हेल्दी हो। तो माइंड से लेके होल बॉडी में इसको असर होता है। डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम देखें तो ये ब्रेन, ज्वाइंट हेल्थ, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किन, विजन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, सभी में ये आवश्यक तत्व है सभी के लिए। उसके बाद जो हमारी दैनिक चीज, आज की परिस्थितियों में भी देखें, चाहे हम अन्य उसमें भी देखें, तो जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे तरह तरह के रोगों को आकर्षित करने का काम करती है। और ये बेस्ट जो एंटी ऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बिल्डर जिसे कह सकते हैं, उसमें है विटामिन सी। ये विटामिन सी जो अपने यहाँ है, ये विटामिन सी चेरी प्लस है, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म में आता है। अगर हम एक टैबलेट लेते हैं तो 8 घंटे प्रोलॉन्ग्ड रिलीज है इसका, यानी 8 घंटे धीरे धीरे बॉडी में घुलते हुए हमको उसका विटामिन सी का फायदा देता है, विटामिन सी को रिलीज करता है। तो अगर हमने सुबह एक डोज ली हुई तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि शाम तक इसमें हमको इतने सुरक्षित रखा होगा। विटामिन सी मोस्टली हम लोग जानते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना होगा। वीक इम्यून सिस्टम वालों को लेना चाहिए, और जो है जो चाहते हैं कि उनको फ्री रेडिकल से राहत मिले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जो मोस्टली हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम, कैल्शियम की कमी जो है खासकर एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम यहाँ जो हम लोगों को मिलती है, वो केवल कैल्शियम नहीं है, बल्कि उसके साथ जो आवश्यक अन्य मिनरल्स हैं, यहाँ हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो मिनरल्स जो इसेंशियल मिनरल्स हैं वो भी इस टैबलेट में आपको मिलते हैं, जिसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी स्पेशल हैं। और इनका रोल कहाँ कहाँ है वो आप जो है देख सकते हैं, कार्टिलेज वगैरह में है, पूरे बोन्स, बोन जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें ये जो है उपयोग में आता है। और ये इसेंशियल जो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं, इसका एक बहुत रेयर जो है सप्लीमेंट है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये हमारी हड्डियों के अलावा और कहाँ कहाँ काम करता है, तो निश्चित रूप से ये हार्ट में है, इंट्रावेस्कुलर जो है सिग्नलिंग, सिग्नलिंग सिस्टम यानी कि नर्वस जो नर्व है, तंत्रिका तंत्र जैसे कह सकते हैं सर, उसमें हार्मोन सिस्टम में, मसल्स में ये जो है काम आता है, क्योंकि कैल्शियम के बिना जो है बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब हम अगली बात करेंगे तो ट्रेडिशनल विजडम में, यानी कि जो हम लोग नॉर्मल उसमें बात करते हैं, तो हर्ब्स बोलते हैं उन्हें, तो हर्ब्स में हम जो बहुत उपयोगी चीज़ें हैं, जो बहुत समय से हम लोगों के नॉलेज में है, उसमें एक है त्रिफला, जो कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी बनाता है। और उसके बाद में है ब्राह्मी, जो मेंटल एजिलिटी यानी कि मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करता है, अश्वगंधा जो वाइटलिटी पूरी स्ट्रांग करता है, और तुलसी ये अगेन एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये भी जो है यहाँ आपको मिलते हैं, जब आप हेल्थ गुड हेल्थ की बात करते हैं, तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ें भी आप ले सकते हैं, ट्रेडिशनल हेल्थ बिल्डर भी हम बोल सकते हैं इसको, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए। और एक ये है मधुनाशिनी, जिसे कि जो कि शुंठि और ट्वाक जो बोल रहे हैं, यानी कि अदरक का जो सौंठ होती है वो, और
तुलसी इसके मिश्रण के साथ में आती है और ये हमारी पेनक्रियाज जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है। और एक और जो कि रेस्पायरेटरी हेल्थ को मजबूत करती है, ये वसाका है, मुलेठी और सुरसा, यानी अगेन तुलसी का एक दूसरा नाम, तो मुलेठी और वसाका और सुरसा का ये मिश्रण है जो कि रेस्पायरेटरी हेल्थ को मजबूत करता है। अभी एक रिसेंट लॉन्चिंग है, ये बहुत समय से है, इसके बारे में जो है शायद ही किसी को बताने की आवश्यकता होती है, केवल नाम ही काफी है, च्यवनप्राश। और ये च्यवनप्राश वर्षों से, हम तो कहेंगे सैकड़ों वर्षों से भारत में जो है प्रभावी है, भारत में हम लोग इसका असर जानते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज मिला है, जो बनाया गया है उत्पाद है, ये प्योर जो बोला जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर और सप्लीमेंट प्रोडक्ट तक जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में, इनके न्यूट्रिएंट्स के हाथ में होता है, और जो है हम तक पहुंचाने तक, ना सिर्फ पैदावार से बल्कि हमारे पास तक पहुंचाने पे जो है च्यवनप्राश, हमें मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोग होता है और काफ़ी ज़्यादा सहायक है, तो ये भी उपलब्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है कंसंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये जो हम लोगों को नेचुरली लेना चाहिए, कितने फ्रूट्स लेना चाहिए, कितनी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हमने एक फल खा लिया दिन में तो हो गया काम, तो ऐसा नहीं है। 10 सर्विंग्स का यहाँ बता रहे हैं कि कम से कम 10 सर्विंग्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे अच्छी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जो हमारे BMR को, जो बेसल जो है मेटाबॉलिक रेट होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, जो हमारी बॉडी की जो है मेटाबॉलिज्म होता है उसको नियंत्रित करता है, और ये इन सब के साथ में हमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी प्लांट से निकले हुए जो अन्य पदार्थ हों वो भी हमें मिलते हैं। जब हम कोई केमिकल ही तैयार करते हैं तो हमें केमिकल्स मिलते हैं जो कि फैक्ट्री मेड होते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज प्लांट मेड लेते हैं तो हमको एडिशनल जो मिनरल्स या विटामिन्स या और केमिकल्स मिलते हैं, तो वो प्लांट से ओरिएंटेड होते हैं, जो हमेशा हमारी बॉडी सपोर्ट करती है, बॉडी को जो है आवश्यक भी होते हैं और हमारे लिए जो है हर प्रकार से। इसमें हम देख रहे हैं कि हमें अगर हम ये चीज लेते हैं तो क्या चीज़ें जो हैं किस तरह से समझना है, तो है कि कम से कम अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में समझें तो 5 कलर्स एक दिन में अगर हम लेते हैं तो एक हम कह सकते हैं कि हम ऑप्टिमल वे हमारा जो है वो लेने का है, तो ये इसमें शामिल है। और आप देख रहे हैं कि 10 शामिल थे इसमें, तो हम 5 की चर्चा कर रहे थे जनरली। और ऑप्टिमल हेल्थ, उसमें हम देखें कि उसमें जो हम खाना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है, तो जनरली वजन बनाए रखने के लिए अगर आप हेल्दी हैं तो वो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि वजन बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य की चुनौतियों का जो जोखिम है, जो रिस्क है वो रिड्यूस होती है, BP वगैरह हैं और इस चीज़ें हैं जो अगर कहा जाए कि एजिंग इफेक्ट्स हैं, एजिंग इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आम लक्ष्य जो हमारा एक आम उद्देश्य होता है लाइफ का कि हमको क्या माना है, तो एक होता है कि हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर हम सोच सकते हैं हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो, और ये इतना पर्याप्त, अगर हमने परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा बनाया तो फिर निश्चित रूप से हमको इस बात को भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं यानी जो हमारा समुदाय है, कम्युनिटी है, क्या वो हेल्दी हो सकती है, क्या हम उस दिशा में कुछ कर सकते हैं, तो अपने परिवार की हेल्थ बनाइए, अपना अपने जो है कम्युनिटी की हेल्थ को स्ट्रांग करिए और एक अच्छे जो है वातावरण का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। हेल्थ जो है कहा जाता है कि केवल बॉडी का स्टेट नहीं बल्कि ये माइंड की भी स्टेट होती है, जब हम बहुत खुश रहते हैं तो एक अच्छी हेल्थ का हम निर्माण करते हैं। हेल्थ के अलावा जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे हमने बात की, तो जब हम यहाँ पे जुड़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं, तो हमें इस कंपनी के साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये हम बात कर रहे हैं MVA कंपनी की, जहाँ पे कि भिन्न भिन्न इनके उत्पाद हैं और कई रेंजेस में हैं। यहाँ जो नाम हम देख रहे हैं कि आर्टिस्टी है, एटीट्यूड है, पर्सनल केयर है,
और फिटनेस ड्रिंक्स हैं, वेट मैनेजमेंट सिस्टम है, एटमॉस्फियर एक ड्राइव एटमॉस्फियर सॉरी एक जो है एयर प्योरीफाइंग सिस्टम है इनका, जो कार के लिए एंड रूम के लिए भी लॉन्च हो चुका है। क्वीन नाम से इनका जो है कुछ किचन के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कि किचन यूटेंसिल्स हैं और होम केयर घर की साफ सफाई के लिए, और न्यूट्रीलाइट न्यूट्रिशन पर हम लोगों ने बात कर ही ली। ये सभी जो है नंबर वन ब्रांड से है, हाई क्वालिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी बहुत सी चीज़ें जो अगर हम होम केयर में बात करें तो हाईली कंसंट्रेटेड है। 100% मनी बैक गारंटी है इसमें। कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, 30 दिन तक इस्तेमाल किया, 30% यूज़, और उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आया वापस किया तो 100% मनी बैक गारंटी भी है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो जनरली यहाँ पे देखते हैं हम कि इंडिया में ये लगभग 160 के आसपास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड ये 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक अच्छी रेंज के साथ आते हैं। इनका हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या मिल सकता है। अगर हमने अपॉर्चुनिटी की बात की तो इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे लिए अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर 35 से 40 रुपए की कोई चीज़ बनाता है तो वो 100 रुपीज़ में बिकती है, यानी कि 100 रुपीज़ की चीज़ में मैन्युफैक्चरर, अच्छे ब्रांड की अगर देखा जाए तो उसमें मैन्युफैक्चरर की विद प्रॉफिट जो कीमत लागत आती है वो 35 से 40 रुपए आती है, और उसके बाद में हमको GST देते हैं, कुछ रिटेल प्रॉफिट्स जो है हमें मिलता है, GST गवर्नमेंट पे चली गई, लेकिन रिटेल प्रॉफिट बैक हमारी जेब में आता है, जो कि और जगह नहीं होता है। तो इसी एक डिफरेंस के रूप में मैं कहूँगा कि आप जरूर इसको, अभी जो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट है कि हमारे पॉकेट में क्या आएगा। हेल्थ तो हमने बना ली, लेकिन क्या हम जब वेल्थ की बात कर रहे थे कि आज हेल्थ और वेल्थ दोनों बात करेंगे, तो क्या वेल्थ को हम कैसे करेंगे? हम जब इन प्रोडक्ट्स का खुद इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं और अपने सोसाइटी में कुछ लोगों को और हेल्दी बनाते हैं, तो हम किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेते हुए अपनी वेल्थ का भी निर्माण करते हैं। तो उसमें ये काम आता है कि 6% रिटेल प्रॉफिट, 8% कैशबैक, 3 to 21% जो है और 4+ बोनसेस, नॉर्मल बोनसेस एंड 4+ बोनसेस हैं, और 11% जो है बिग बोनसेस, लीडरशिप जिन्हें बोलते हैं वो है। तो इसमें करना क्या है, सिंपली जो है हमको पहले जो है, हम हैं, अगर हमने KYC देकर MBA के साथ में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो हमको ये अपॉर्चुनिटी जो बेनिफिट्स हैं देती है, ये अपॉर्चुनिटी, ये जो साइड में हमने कैलकुलेशंस दिखाई, ये परसेंटेज दिखाई, इसके हम हकदार हो जाते हैं। साथ ही साथ हमको जिन्होंने स्पॉन्सर किया, जिन्हें हम अप्लाइंग भी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उनका सहयोग मिलता है, उनसे समझने के हमें मौके मिलते हैं कि कैसे आगे इसको चीज़ों को समझा जाए, कैसे जो आज मैंने जो कुछ भी सीखा है ये इसी टीम यही इसी मदद से सीखा है। और तीसरी जो हेल्पलाइन होती है वो है BWW, यानी कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ये जो मंच है, ये जो आज हम को ये भी जो भी प्रेजेंटेशंस मिला है, ये BWW की ओर से है। तो यहाँ भी ये कैसे हेल्प करते हैं कि ये कुछ फंक्शंस हैं, जूम मीटिंग जैसे आज आप देख रहे हैं, ये है CDs, ये कुछ है आजकल CD की जगह स्मार्ट टच ऐप के जरिए जो है ऑनलाइन आपको ट्रैक्स मिलते हैं जिन्हें आप सुनते हैं, और जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो ऑलरेडी इसको अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेकर ले चुके हैं बेनिफिट्स, उनकी जो है हमको मदद मिलती है, उनसे हम कुछ सीखते हैं। और कुछ बुक्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स हैं, बुक्स ऑफ द मंथ जगह वगैरह बोलते हैं, जो सिस्टमेटिक प्रोग्राम से चलते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं थ्रू बिटवर्ड। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे घर की जो ज़रूरत है, अगर हम हेल्थ बनाने के लिए कुछ चीज़ों का रेगुलर उपयोग करते हैं, कुछ हम होम केयर की चीज़ें लेते हैं, हम घरेलू साफ सफाई की, कुछ हम शारीरिक साफ सफाई की चीज़ें लेते हैं, तो अगर हम 3-4-5 सेगमेंट्स में थोड़ा थोड़ा भी अगर हम जो अभी परचेज कर रहे थे किसी और हिसाब से, उसको हम अगर परिवर्तित करते हैं, उसको हम चेंज करके यहाँ आते हैं, तो हम जो है केवल हमने शॉप परिवर्तित किया। और एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि सभी के लिए सेम हो, कोई इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई इससे कम हो सकता है, लेकिन हमने नॉर्मल स्टडी जो की है, लोगों का अध्ययन किया, लोगों से मिले हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से यह है कि लगभग 5,000 का सामान तो सभी लोग इन आइटम्स में लेते हैं। तो जैसे ही हम जुड़ते हैं और 5,000 का सामान हमने लिया इन सेगमेंट्स में, तो एक 900 छोटा सा अमाउंट हमको
कैश बैक के रूप में और कैश इंसेंटिव जो कस्टमर सेल इंसेंटिव के रूप में हमको मिला। हम जुड़े हमारे साथ हमारे तीन चार फैमिली जो कस्टमर के रूप में हमारे साथ जुड़े उन्होंने कुछ लिया और उससे ही हमको फायदा हुआ। नेक्स्ट स्टेज देखते हमारे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या है, हमने उनसे चर्चा की, ये जैसे बोला कि कम्युनिटी हेल्थ के बारे में हमने चर्चा की और कुछ वेल्थ डेवलपमेंट के बारे में कि हम इससे अपॉर्चुनिटी का फायदा लेके कुछ हम वेल्थ का भी निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग आए, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, 9 लोग हमारे साथ और आए, तो हम एक थे, 9 हमारे साथ आए, 10 लोग हुए और सिंपल हमने एग्जाम्पल लिया और इसको हमने जब देखा कि इस कैलकुलेशन को, मैं कहूंगा कि इस कैलकुलेशन को डीपली और डिटेल आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप समझिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आज यहाँ करने जा रहा हूँ कि जैसे ही हम 10 लोग होते हैं तो लगभग 2400 5000 हमने परचेज की थी, 2400 रुपये का हमको बेनिफिट हुआ प्लस 900 वो था, तो एक अच्छा खासा देखें तो 50% से ज़्यादा हमको हो चुका है। अब ये जो 9 लोग आए थे इनके भी परिचित हैं, ये उनको भी जो है बताएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे और एक एग्जाम्पल हमने लिया कि 6 लोगों को से भी इन्होंने भी अप्रोच किया और 6 लोग इनके साथ में फैमिलीज जो हैं अपनी शॉप चेंज करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने भी अपने घर के होम केयर, पर्सनल केयर और हेल्थ की चीज़ें जो हैं यहाँ से ये लेना, एमवे से लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम एक चीज फिर रिपीट कर दें कि यहाँ कोई भी चीज हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है इन लोगों को एमवे से, सभी लोग अपनी अपनी परचेज डायरेक्ट कर रहे हैं एमवे के थ्रू। अगर इनको कोई चीज पसंद किसी को नहीं आती होगी तो वो वापस कर रहे हैं, वो भी हमारा एडिक नहीं है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस चीजें बता देते हैं और उनको ये समझा देते हैं कि कैसे इसका ऑर्डर डालना है, कैसे इसकी परचेजिंग करते हैं और एमवे कैसे आपके घर तक ये सामान पहुंचाता है। और ये हमने देखा कि इस स्टेज पे हमारे पास 54 और नए लोग आ गए, टोटल 64 हो गए और यहाँ पर हमारी जो इनकम थी, हमारे जो पॉकेट में बैक हमारे पास पैसा आया वो 33,000 है। बहुत ही मतलब गहराई से सोचने वाली चीज़ है कि 5,000 रुपए ही सिर्फ हमने अपने सभी लोगों ने 5,000 अपने अपने घर के जो शॉपिंग हैबिट्स थी उसको थोड़ा सा चेंज किया, शॉप चेंज की अपनी और उससे 33,000 हमारे पास है। नीचे जो लोग हैं उनको भी इसी क्रम में आया होगा, इसी स्टेज से आया होगा, क्योंकि जो साइड में हम चार्ट देख रहे हैं इस चार्ट के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये चार्ट 3-21% जो बोनस एंड कोर प्लस दिखाया था उसका ये ब्रेकअप है। इस ब्रेकअप को डिटेल में समझिएगा, ये 3% से 21% का है, यानी कि लगभग 20,000 से 10,00,000 तक की परचेज का है ये। जैसे जैसे हम अरे टर्नओवर हमारा यानी कि मंथली पूरे ग्रुप का सेल परचेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये रेशियो भी बढ़ता जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना था, हमने अगर कुछ लोगों को इंक्लूड किया, उन्होंने परचेजिंग की, तो ये रेशियो अपने आप फिक्स होता जाएगा। इसको केवल कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं कि ये जो 6 लोग आए थे, सेकंड स्टेज के लोग थे, इन्होंने भी कुछ लोगों से बात की और अभी केवल 3-3 लोग ही तैयार हुए। उस वक्त क्या है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि ये 6 पर ही रुक जाएंगे या 3 पर ही रुक जाएंगे और आप 9 पर ही रुक जाएंगे, आप भी हो सकता है कि ये काफ़ी तेज और काफ़ी बड़ा जो है टीम का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर 162 नए लोग आ जाते हैं। अभी यहाँ टोटल टीम का साइज है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 226 है। सभी लोग लगभग 5,000 जो एग्जाम्पल है उसके तौर पर हम कैलकुलेशन देख रहे हैं तो क्या है। तो यहाँ हम लोगों का जो लेवल हम देखें तो यहाँ पर हमारा लेवल जो टॉप पर हम थे तो यहाँ हम पहुँच रहे हैं 21% पे और हमारे सभी लोग कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं और वो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बैलेंस है वो हमको 1,62,720। ये 3 स्टेजेस पर ही है, जबकि ये स्टेजेस और भी होंगे और संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक ये कैलकुलेशन हल्का सा देखा हमने कि ये जो है 21% पर 1,50,000 मंथली एवरी मंथ ये अचीव किया जा सकता है। इसीलिए इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, केवल परचेजिंग के रूप में बहुत कम लोग देखते हैं। और परचेजिंग तो निसंदेह बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, 100% मनी बैक गारंटी के साथ आ रहे हैं तो लोग प्रोडक्ट के तो शौकीन हैं ही, लेकिन साथ में अगर हम इस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो केवल 5,000 रुपये की शॉप चेंज करके अगर इतना बड़ा मंथली इनकम तैयार की जा सकती है तो मुझे तो लगता है कि बहुत से जॉब जो है इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। मैं खुद इसको अगर देखता हूँ तो इस इनकम पर पहुँचने के लिए हम लोगों को लगभग 30 साल लगे। 30 साल में जब हम इस इनकम पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अगर हम कोशिश करते हैं तो यहाँ मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिन्होंने इस इनकम को 3 मंथ्स 3 से 6 महीने 9 महीने के अंदर अचीव किया है। 3 मंथ्स तक के बहुत से लोग हैं। इस स्टेज को बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर और ये जब मेंटेन की जाती है 3 मंथ तक कंटिन्यूअस तो वो बोलते हैं गोल्ड, 6 मंथ करते हैं तो प्लेटिनम और लगातार अगर 12 महीने साल के मेंटेन करते हैं तो इनको बोलते हैं फाउंड प्लेटिनम।
यहाँ से रिकॉग्निशन से स्टार्ट होते हैं, कुछ वॉलंटियर्स मिलने लगती है, कुछ जो है हमें अच्छी यात्राएं करने को मिलती हैं। एक फाउंडर प्लेटिनम जो होता है उसकी कंपनी की ओर से जो डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम है वो अराउंड 15 लैक्स है पर एनम। ये अगर हम 21% का एक लेवल, यानी कि हम अपने जैसा ही किसी एक व्यक्ति को और अपने नीचे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से हम अगले जोन में पहुँच जाते हैं जो 11% का लीडरशिप जोन था। और यहाँ पर हमको इसे 6%, इसके जो वॉल्यूम से 6%, जो कि मिनिमम, अगर हम 10 लाख का यहाँ देख रहे हैं तो मिनिमम जो है ये 48,000 रुपये होता है। और अगर हमने 3 लोगों को ये मदद की और उनको 21% लेवल, जो ये लगभग 1,62,000 वाला लेवल था, इसमें पहुंचने में उनको मदद की, जो सिल्वर लेवल कहलाता है और 6 महीने करने पर प्लेटिनम होता है, इसमें अगर हमने मदद की तो ये कहलाते, इस स्टेज को बोलते हैं फाउंडर एमरल्ड। एमरल्ड जो है इनकी इनकम, फाउंडर एमरल्ड की एनुअल इनकम कंपनी द्वारा डिक्लेयर्ड जो है वो है 45 लैक्स अराउंड। और इसके बाद अगर हम देखें कि हमने और भी लोग प्रयास करेंगे, केवल 3 पर ही नहीं रुकेंगे, 6, 7, 8, 10 बहुत से लोग आपके जो टीम के हैं वो बारी बारी से एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, ब्रिट वर्ल्ड वर्ल्ड से सीखते हुए, एमले से ट्रेनिंग लेते हुए प्रोडक्ट्स के बारे में इस लेवल को अचीव करेंगे। और जब हमारे 6 लोग 21% अचीव करते हैं, उस लेवल को, उस स्थिति को, परिस्थिति को बोलते हैं डायमंड। और जब 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फाउंडर डायमंड बोलते हैं। और फाउंडर डायमंड का जो एनुअल इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 86 लैक्स है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये एक एवरेज इनकम है, और एवरेज का मतलब तो आप जानते ही हैं कि कुछ ज़्यादा होंगे कुछ कम होंगे। तो आज हम, मुझे इससे आपसे इतनी ही बात करनी थी कि एक हेल्थ और एक वेल्थ, इन दोनों का कम्बिनेशन कैसा होगा। बीच में जो टेक्निकल खामी आई उसके लिए मैं जो है सॉरी एक बार फिर कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है जो मैं मैसेज देना चाहता था वो आप तक जरूर पहुँचा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और बैक टू होस्ट प्लीज। थैंक यू सर।